कोई बोलेगा राम जन्म भूमि कहाँ है, तो लोग ये तो नहीं कहेंगे फैजाबाद में है। राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, जिले का नाम भी अयोध्या ही होना चाहिए, फैजाबाद। नमस्कार, आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कई स्थानों का नाम बदलने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय मोहन बिष्ट था, जिनका जन्म 5 अगस्त 1972 में पंचूर पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। योगी आदित्यनाथ 4 भाई और 3 बहनों में दूसरे नंबर पे थे। बात करें अगर योगी आदित्यनाथ की एजुकेशन की, तो बहुत कम लोग जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ को पढ़ने लिखने का काफी शौक था। उन्होंने अपनी बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स में कम्प्लीट की। 1990 में योगी ने अपने घर को छोड़ दिया। योगी आदित्यनाथ के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अजय सिंह बिष्ट यानी योगी आदित्यनाथ के जीवन में जब आया, जब उनकी मुलाकात महंत अवैद्यनाथ से हुई, जो उस समय गोरखपुर मठ के प्रमुख थे। अजय सिंह बिष्ट ने उनकी शरण में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। सन 1994 में अजय सिंह बिष्ट ने योगी का जीवन अपनाया। महंत अवैद्यनाथ द्वारा अजय सिंह बिष्ट को अपना शिष्य बनाया गया, साथ ही महंत ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यहां उन्हें दीक्षा के साथ नया नाम योगी आदित्यनाथ दिया गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिकल जर्नी सन 1998 में शुरू हुई। उन्होंने गोरखपुर सीट से लोकसभा का चुनाव मात्र 26 साल की उम्र में जीता, जिसके बाद लगातार योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत हासिल की जिसके बाद लगातार योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 5 बार जीत हासिल की। योगी आदित्यनाथ को शुरू से ही जानवरों से काफी लगाव रहा है, उन्हें खासकर गायों से काफी लगाव रहा है। 2008 में लोकसभा का एक किस्सा काफी प्रचलित है, जिसमें योगी आदित्यनाथ उन पर हुए हमले की बात करते हुए लोकसभा में रो पड़े थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जेल भी जा चुके हैं। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ सीआरपीसी की धारा 151, 146, 147, 269 और 506 के तहत जेल जा चुके हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि योगी आदित्यनाथ का अपराध से भी नाता रहा है। मुलायम सिंह यादव की सरकार में योगी आदित्यनाथ जेल गए थे। साथ ही योगी आदित्यनाथ कई ऐसे बयान भी जो अन्य समुदायों के लिए विरोधी होते हैं। इसमें एक जाना माना किस्सा प्रचलित है, जिसमें एक रिपोर्टर उनसे पूछता है कि वह ईद के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, जिसमें वह सरलता से उत्तर देते हैं कि वह हिंदू हैं, वह दिवाली मनाएंगे, ईद नहीं। बात करें अगर योगी आदित्यनाथ के जीवन जीने के तरीके पे, तो वह काफी साधारण तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उन्होंने संत की छवि के साथ ही अपनी सीएम की छवि को भी संभाला है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।